माई डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8, वेलकम बैक वंस अगेन एंड टूडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. वेल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वॉट फैक्टर्स प्लेड अ मेजर रोल इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे. यू कैन सी बोल्ड अक्षरों में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, लिटरेचर, न्यूज़पेपर एंड मैग्निफिकेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया लिख रखा है. ओके, सो हियर इज योर फर्स्ट. सी फ्रेंड्स, बाय द मिड 19th century ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश ऑल ओवर द इंडिया. सो ब्रिटिश रूल जो था वो 19th century तक लगभग पूरे इंडिया पे इस्टेब्लिश हो चुका था. पॉइंट बी, कॉन्सिक्वेंटली यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंट ऑल ओवर द कंट्री. सब जगह यूनिफॉर्मिटी हो गई थी. फॉर एग्जाम्पल, शादी के लिए कहीं पे 21 है, कहीं पे 25 है, कहीं पे 15 है, कहीं पे तो कोई सिस्टम ही नहीं है. सो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से क्या हुआ, ये सब में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई. ठीक है, अगर कोई मर्डर कर देता है तो ये राज्य के अंदर 5 साल की सजा है, वहाँ पे 10 साल की सजा है, वहाँ पे तो सीधा काट ही देते हैं जो भी है. सो यूनिफॉर्मिटी आ गई ब्रिटिशर्स के आने की वजह से. सो द इंडियन यूनाइटेड पॉलिटिकली एंड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वेयर बॉर्न. सो सबको लगा कि नहीं, इनके खिलाफ कुछ करना चाहिए, और सब एक हो गए और नेशनलिज्म आ गया. सेकंड पॉइंट आता है इकोनॉमिक. व्हेन आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, आपको मार्केट के साथ चल रहा है, लोगों की जेब में कितने पैसे हैं, ये सब आपको दिमाग में रखना है. पॉइंट ए, इंडियन लेबर क्लास वेयर रेंडर्ड यूजलेस ड्यू टू द इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो जितने भी लेबर क्लास थे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी ड्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और ये क्यों, ये बहुत इंडियन लोगों को एक्सप्लोइट करते थे. बी पॉइंट, इंडियन फार्मर एंड लैंडलॉर्ड फेल विक्टिम ऑफ दिस पॉलिसीज. उनकी जो खराब पॉलिसीज थी उनका ये लोग शिकार बने. और पॉइंट सी, द ब्रिटिश पॉलिसी इज टू मेक इंग्लैंड प्रॉस्परस ऑन द कॉस्ट ऑफ इंडियन एंगेज इन द पब्लिक. ब्रिटिशर्स का क्या था दिमाग में, कि बस इंग्लैंड को प्रॉस्परस करना है और इंडिया को लूटना है. पॉइंट डी, दे एस्टेब्लिश द यूनियन टू फाइट द राइज. ओके, सो उन्होंने अपने अपने तौर तरीके यूज़ किए, अपनी अपनी यूनियंस बनाई. एंड मीन्स इंडिया, इंडियन लोगों ने अपनी अपनी यूनियन फॉर्म की एंड अपने राइट्स के लिए फाइट करना शुरू किया. दस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज इंक्यूलेटेड इन दिस क्लास. सो नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमिकली परेशान लोग क्या करेंगे, नेशनलिज्म के लिए जाएंगे. ठीक है. पॉइंट ए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी. पॉइंट ए, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, स्टीमर एक्सेट्रा, पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग मोर. तो जैसे ही इंडिया के अंदर रेलवे आती है, इंडिया के अंदर पोस्ट, टेलीग्राफ, स्टीमर आती है, तो लोग माइग्रेट करना शुरू करते हैं. ठीक है, एज अ रिजल्ट पीपल ऑफ द कंट्री कम क्लोजर टू वन अनदर. और इंडिया में क्या हो रहा है, सब लोग एक दूसरे के और पास पास में आ रहे हैं. ट्रांसफर ऑफ थॉट, ओपिनियन इंक्रीज अमंग द पीपल. सो कोई नॉर्थ वाला बंदा है, वो अगर साउथ में जा रहा है तो वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है. एंड कहीं ना कहीं सबको पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं. ओके, ड्यू टू द इंक्रीज कॉन्टैक्ट, नैरो माइंडेड एटीट्यूड एंड द कास्ट सिस्टम, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म डिक्रीजेस. तो ये सारी चीज़ें कम होने लगी, जो पुरानी सोच थी कि हमको बाहर नहीं जाना चाहिए, जबकि उनको बाहर जाके ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ओके, एंड कम्युनलिज्म की, कास्ट की सिस्टम थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, ख़त्म तो नहीं हुई है पर कम होने लगी. पॉइंट ई, नेशनल लीडर्स कूड ईजिली स्प्रेड देयर थॉट एंड प्लान्स इन पब्लिक. सो नेशनल लीडर्स क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही ईजिली अपने फॉलोअर्स को ईजिली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और अपने प्लान भी पब्लिक को बता रहे हैं कि हम लोग आगे जाके ये रैली करेंगे, यहाँ पर ये करना है हमको, एंड सो एंड सो. सो ऑल दिस ब्रॉट अबाउट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. सो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ, हम लोग सब पास में आए, इकट्ठे हुए, हमने मिलकर प्लान बनाए एंड एग्जीक्यूट किया. ठीक है, अब आता है एजुकेशन एंड लिटरेचर. देखो, इंडिया के अंदर पहले एजुकेशन ना के बराबर था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेटेड लोग बढ़ते गए तो फिर और भी इनके अंदर नेशनलिज्म आता गया. कैसे, लेट्स सी. विद द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, पीपल वेयर इंस्पायर्ड टूवर्ड द डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म. तो जैसे जैसे लोग पढ़ते गए तो उनको डेमोक्रेसी की वैल्यू समझ में आए, प्रिंसिपल समझ में आए, फ्रीडम क्यों होनी चाहिए ये समझ में आया, और इक्वालिटी और नेशनलिज्म तो इनको पहले से ही पता था. एज ए रिजल्ट पॉलिटिकल व्यू पॉइंट चेंज, सबका सोचने का तरीका सब चेंज हो जाता है. इंग्लिश एजुकेशन यूनाइटेड इंडियन, है ना, तो इंग्लिश एजुकेशन ने क्या किया, सबको यूनाइट कर दिया. से फॉर एग्जाम्पल, अब बंगाली पीपल कांट स्पीक
तमिल लैंग्वेज बट उसने इंग्लिश पढ़ लिया। एंड से फॉर एग्जाम्पल एक तमिल वाले इंसान ने इंग्लिश पढ़ लिया एल पढ़ी डोंट नो द बंगाली, बट एक इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इनके बीच में कॉमन लिंक हो गया। एंड ये कॉमन लिंक हो जाने की वजह से क्या हुआ, हम सब यूनाइट हो गए। एट दिस टाइम वेरियस बुक्स रिटन इन द रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो हेल्प टू डेवलपिंग द इमोशंस ऑफ द नेशनल जम। तो जो दुनिया में जितना भी लिटरेचर अवेलेबल था हम लोगों ने वो पढ़ा। एंड हम लोगों ने देखा कैसे ब्रिटिशर्स से लड़के फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, अमेरिका वालों ने तो इंडिपेंडेंस गेन किया, तो फिर हमको लगा कि उन लोगों ने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एनी हाउ दिस लिटरेचर स्प्रेड द मैसेज ऑफ पेट्रोटिज्म अमंग्स द इंडियंस। तो इसमें एक तरह की पेट्रोटिज्म की फीलिंग आने लगी। चलो अब हम बात करेंगे न्यूज़पेपर की। नेशनल न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस अमंग द नेशनल अमंग्स द पीपल विच टर्न एनकरेज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो न्यूज़पेपर से क्या हुआ, न्यूज़पेपर से हम लोग ब्रिटिशर्स क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, कैसे कैसे हमको लूट रहे हैं, कैसे हमको यूनाइट होना चाहिए, ये सारे मैसेज एक तरह से अगर हम लोग देखने जाएँ तो ये न्यूज़पेपर में स्प्रेड हो रहा है। मैग्निफिकेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया एन एंशिएंट रिमेन डिपिक्टिंग द इंडियन मैग्निफिसेंट हेरिटेज विच वेयर डिस्कवर्ड बाय द वेस्टर्न एंड द इंडियन आर्कोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द इंडियन स्पेसिफिक टू देयर ग्लोरी हेरिटेज एंड दिस मेड पीपल प्राउड फॉर देयर नेशन। तो ज़मीन में से खुदाई करने के दौरान एक्सकवेशन के टाइम पर जो हमको पुरानी चीज़ें मिली तो उससे क्या हुआ, हम लोगों ने एक तरह से नेशनल हमको प्राउड फील हुआ कि हमारा जो कंट्री हमारा जो कल्चर इतना पुराना है। सो कहीं ना कहीं यहाँ से भी नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। सो फ्रेंड ये टोटल 6 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर नेशनलिज्म आया और हम लोग ब्रिटिशर्स के सामने एक हुए, लड़े और आगे चल के हमने इंडिपेंडेंस भी गेन किया। ओके सो हियर इज योर अनदर क्वेश्चन। एंड यहाँ पर आपको ये बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनिशियल फेज में क्या किया। ओके डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स इनिशियल फेज। सो वेरी बिग आंसर आई कैन सी, पूरा स्लाइड भर के आंसर है बट एनी हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक इट। आंसर नंबर पॉइंट नंबर वन, द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर मॉडरेट्स एंड एबेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले के जो जो ग्रुप था कांग्रेस के अंदर वो मॉडरेट था। मॉडरेट यानी लिबरल थिंकिंग, ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं, बहुत एग्रेसिव नेचर नहीं है, शांत स्वभाव के, कानून के हिसाब से चलते हैं, तो ऐसे मतलब लोग थे इनिशियल स्टेज में। नंबर टू, इट इंक्लूडेड पुटिंग अप द डिमांड फॉर मोर पॉलिटिकल राइट इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ एंड डिपेंडेंट ऑफ द एंड डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन। सो इन लोगों ने ब्रिटिशर से क्या डिमांड की, पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की, थोड़ा इकोनॉमी को हमारे लिए अच्छा करें, सोशल ग्रोथ हो और एजुकेशन के डेवलपमेंट पर इनका ज़्यादा इनिशियली फोकस था। पॉइंट नंबर थ्री, अमंग अदर डिमांड इंक्लूजन मोर इंडियंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस, रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मिलिट्री अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, डेप्ट रिलीफ टू फार्मर्स, रिवाइवल ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री एक्सेट्रा वेर इंक्लूडेड। सो इसके अलावा और भी बहुत सारी डिमांड थी जहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हमको इंडियन एज ए इंडियन हमको गवर्नमेंट सर्विस ज़्यादा मिलनी चाहिए। ओके ब्रिटिशर्स मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, इतना स्पेंड वो हमारे डेवलपमेंट पर कर ज़्यादा बेटर है। वो उस टाइम पे भी नहीं होता था, इवन वो आज भी नहीं होता है। ठीक है अब तो ठीक है, पब्लिक थोड़ी स्मार्ट हो गई तो काम निकलवा ही लेती है। फार्मर्स के कर्जे माफ़ करना, कॉटेज इंडस्ट्री की ऐसी तैसी हुई है तो उसको अब थोड़ा ग्रो कीजिए, बट ये सब हमको आपको भी पता है हमको भी पता है ब्रिटिशर्स को सुनने वाले नहीं है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्न डाउन दिस डिमांड, है ना मैंने पहले ही कहा था ये सब डिमांड गवर्नमेंट ने नहीं मानी। हाउएवर दिस डिमांड लेड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल। और जब हम नहीं आया तो हम लोगों ने फिर ज़बरदस्ती करके मनवाई, आंदोलन किए, है ना, और यही अगर वो मना नहीं करते तो आंदोलन हम लोग शायद ना करते। पॉइंट नंबर फाइव, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड मेनी रिजोल्यूशन सच एज द एक्सपांशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैप्ट एज द 50% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन इट्स सेंट्रल एंड द रीजनल लेवल। सो उन्होंने बहुत सारे और राइट्स की डिमांड की, उन्होंने लेजिस्लेटिव में कहा कि 50% इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए एंड सोन। सो कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ रहा है मगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर सिक्स, द पार्लियामेंट शुड बी मोर आंसरेबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द रीजनल असेंबली। सो पार्लियामेंट में बताना चाहिए आपने कानून क्यों बनाया, एंड कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पॉइंट नंबर सेवन, ड्यू टू द डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड द मोर फ्रीडम टू द प्रेस, ग्रांटेड द मोर पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच टू द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी जिनके वजह से लोगों को बोलने की आज़ादी मिली थ्रू द प्रेस, है ना, और उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिली। पॉइंट नंबर एट,
द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्पायर मैनी एजुकेटेड यूथ टू फोस्टर द नेशनलिज्म इन द एजुकेटेड क्लास। एंड इनकी जो रीच थी वो एजुकेटेड लोगों में ज़्यादा थी, एजुकेटेड लोग समझते थे जब तक हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे, एक पार्टी नहीं बनाएंगे, साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे, सो इंडिपेंडेंस अचीव करना इट्स अ टफ टास्क, ओके फॉर अकॉर्डिंग टू देम। सो उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी उस टाइम पर जो ज़्यादा पॉपुलर थी उसको ही वो लोग रिफर करते थे। ओके नाउ एज ए रिजल्ट मोर कैपेबल एंड पोटेंशियल लीडर ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो ज़्यादा से ज़्यादातर पोटेंशियल और अच्छे अच्छे लीडर्स उनको मिलते गए। ओके नाउ अब आपके सामने जो क्वेश्चन है डेट इज द व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। सो बंगाल के पार्टीशन की वजह से क्या क्या हुआ। ओके वी नो डेट कि 1905 में बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था बेस्ड ऑन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। फिर उसके बाद क्या हुआ डेट वी आर गोइंग टू सी। ओके सो पीपल अपोज दिस एफर्ट ऑफ ब्रेक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ बंगाल रैलीज डेमोन्स्ट्रेशन एंड बाई डिस्टर्बिंग पैम्पलेट्स। तो लोगों ने पहले तो इसका मतलब विरोध किया, उन्होंने जो बंगाल का डिवीज़न किया उसको ये लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने रैलीज निकाली, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किए। एनी वन दे डिस्ट्रीब्यूटेड द पैम्पलेट्स, होते पैम्पलेट्स ऑफ पेपर जहाँ पे मतलब लोगों से अपील की जाती है कि आप या तो कोई रैलीज में आइए या फिर अपना विरोध कोई पर्टिकुलर वे में बताइए। पॉइंट नंबर टू वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम द नोवल आनंद मठ रिटन बाई बकीम चंद्र चौटरप अध्याय भेके एंड द पॉपुलर स्लोगन ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट। सो उस टाइम पर जो वंदे मातरम सॉन्ग था जो बकीम चंद्र जी ने लिखा था एंड इनका जो सॉन्ग था ये बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम पे। ओके चलिए द नेशन वॉज स्वेप्ट बाई अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ नेशनलिज्म। पूरे देश में एक लहर थी नेशनलिज्म की। पीपल ऑफ बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशन इज अ मॉर्निंग डे। मतलब एक शोक दिवस सेलिब्रेट करने का बंगाल के लोगों ने डिसाइड किया। पीपल वेंट ऑन स्ट्राइक ऑल ओवर द रीजन एज पर द सजेशन ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर दैट डे वॉज ऑल्सो सेलिब्रेटेड द डे ऑफ यूनिटी। ठीक है रविंद्र अब यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया और कोई काम पर नहीं जा रहा है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ऐसा कहा कि हम लोग शोक दिवस क्यों बनाएं जबकि इस दिन ने तो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को एक किया है, सो वाई डोंट वी सेलिब्रेट द डे ऑफ यूनिटी। एंड उन्होंने डे ऑफ यूनिटी सेलिब्रेट करने का सजेशन किया। ठीक है अब आंदोलन थोड़ा और आगे बढ़ता है। इट वॉज डिसाइडेड टू इंटेंसीफाई द मूवमेंट बाई अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बंग भंग मूवमेंट एंड एक्सपांड इट्स बेस। सो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब थोड़ा उसको और आगे ले जाते हैं और ये जो है ना बंग यानी बंगाल भंग यानी तोड़ना और ये जो बंग भंग मूवमेंट है इसको हम लोग थोड़ा और आगे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। द मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मूवमेंट वेयर नंबर वन टू ट्रेड एंड द यूज द इंडियन स्वदेशी गुड्स ओनली। तो हम लोग अपने इंडिया में बना हुआ सामान ही यूज़ करेंगे, अब से हम लोग फॉरेन का गुड्स यानी जो इंग्लैंड से आता है वो यूज़ नहीं करेंगे। टू बॉयकॉट द इम्पोर्टेड गुड्स, जो बाहर से जो चीज़ें आती हैं जो बाहर से जो सामान आता है उसको हम लोग अब से यूज़ नहीं करेंगे। टू एक्वायर द नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट द इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे और अपने देश की जो स्वदेशी हिंदी भाषा है या फिर आपकी जो रीजनल भाषा है हम लोग वो पढ़ेंगे, दूसरी कोई और भाषा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चलो पॉइंट नंबर एट में आते हैं। थ्रू आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर पोजिशन पब्लिक मीटिंग एंड फॉक सॉन्ग्स पीपल वेयर मेड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूजिंग स्वदेशी गुड्स। सो न्यूज़पेपर लगा लो या फिर पब्लिक मीटिंग हो या कोई पब्लिक सॉन्ग्स हो, सब लोगों को स्वदेशी गुड्स यूज़ करने के लिए गाइड किया जा रहा है। ठीक है पॉइंट नंबर नाइन फैक्ट्रीज वेयर स्टार्टेड टू प्रोड्यूस द स्वदेशी गुड्स द इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स लाइक टेक्सटाइल सॉल्ट शूज शुगर सिगरेट्स टोबैको एक्सेट्रा फ्रॉम इंग्लैंड डिक्रीज ड्रास्टिकली एंड द सेल ऑफ द इंडियन कमोडिटी एंड टेक्सटाइल इंक्रीजेस। इसका फर्क इससे क्या फ़र्क पड़ा, जब से इसी स्वदेशी मूवमेंट हम लोगों ने अपनाया तो जो इंग्लैंड से जो सामान आता था ना वो बंद हो गया, जैसे कि सॉल्ट हो गया शूज हो गए शुगर हो गया सिगरेट हो गया टोबैको हो गया, इंग्लैंड का सारा के सारा सेल एकदम से ड्रास्टिकली डाउन हो गया और जो इंडियन टेक्सटाइल है इंडियन कमोडिटीज है उनका सेल एकदम से ऊपर चला गया, मतलब ऊपर की तरफ गया। द स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया टू। सो इनिशियली ये बंगाल से स्टार्ट हुआ था एंड फिर फैलते फैलते इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी ये स्प्रेड हो जाता है। ठीक है ओके नाउ द फोर्थ क्वेश्चन हाउ डिड द नीड ऑफ नेशनल एजुकेशन अराइज इन इंडिया। तो देश में नेशनल एजुकेशन की क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताता हूँ 1905 में इंडिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही पढ़ी लिखी थी और
आई थिंक यही एक कारण था कि ब्रिटिशर्स हम पे इतना लंबे टाइम तक रूल कर पाए. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं थे. इवन जब हम लोग आज़ाद हुए ना तब भी ओनली 36% ही कुछ लोग पढ़े लिखे थे, सॉरी 16% ही कुछ लोग पढ़े लिखे थे, ज़्यादा नहीं थे. सो आज वो अच्छी बात है कि 80-85 के आसपास हैं, बट उस टाइम पे बहुत कम हम लोग एजुकेटेड थे. इसलिए 1905 में हम लोगों ने फील किया कि स्वदेशी मूवमेंट में हमको नेशनल एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए. ओके, द थर्ड फीचर एसोसिएटेड विद द स्वदेशी इज टू बॉयकॉट द मूवमेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन. सो नेशनल एजुकेशन हम लोग ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन है उसको बॉयकॉट करेंगे और नेशनल एजुकेशन को अडॉप्ट करेंगे. स्टूडेंट टू कैन एक्टिव पार्ट टू द बंग बंग मूवमेंट एज अ रिजल्ट मेनी पुनिटिव एक्शन सच एज लेविंग फाइन एक्सपेलिंग स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कॉलेजेस वेर टेकन बाय द गवर्नमेंट. दिस कॉल एन ऑप्टिमल ऑप्टिनेशनल अरेंजमेंट ऑफ द नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस फॉर स्कूल. बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था बंग बंग मूवमेंट में, तो कॉलेज वालों ने उनको निकाल दिया. कॉलेज मतलब ब्रिटिशर्स के कॉलेज. ओके, तब इनके लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा. इन 1907 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल एंड 3000 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स बिकमिंग फंक्शनल इन बंगाल. रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन इन 1901. तो अब ये लोग जितने भी लोगों को निकाला गया है इनके लिए अलग से कॉलेज एंड स्कूल की व्यवस्था की गई, और ये सारा लगभग ये बंगाल का डेटा हमको बता रहे हैं. द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल टू सब्सिडाइज द बंग बंग मूवमेंट. फाइनली द एक्टिव एज्यूम दैट यू आर द स्टूडेंट ऑफ 1905 एंड द स्वदेशी मूवमेंट वॉज ऑन द मूव ऑन द कंट्री. जस्ट इमेजिन करो कि आप एक एक्टिव स्टूडेंट हो जो स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ओके, बंग बंग मूवमेंट मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. पीपल अपोज एंड एफर्ट टू ब्रेक द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द बंगाल्स बाई डेली डेमोन्स्ट्रेशन एंड पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स. सो लोगों ने इसका बहुत एक तरह से रैलीस निकाली थी और पैम्पलेट्स बांट के. ठीक है, ओके, नाउ ये अगेन ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट नंबर 6 कि वंदे मातरम आनंद मत में उस टाइम पे लोगों में ज़्यादा फेमस हुआ था एंड एक लहर तोड़ दी थी नेशनलिज्म की. पॉइंट नंबर 7 इज टॉकिंग अबाउट द कि जो डे ऑफ पार्टीशन था उसको हम लोग डे ऑफ मॉर्निंग बोलेंगे. बट नेक्स्ट में हमको ये पता चला कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा था कि वाई डू वी सेलिब्रेट इन मॉर्निंग डे, हमको तो उसको यूनिटी डे सेलिब्रेट करना चाहिए. विश्व भारती विद्यालय शुरू हुआ रविंद्रनाथ टैगोर ने, एंड फिर वही जाके आगे जाके यूनिवर्सिटी बन जाती है. पॉइंट नंबर 9 की बात करें, हियर द स्टूडेंट आर टॉट टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिहेवियर फॉर द गुड लाइफ. यहाँ पे स्टूडेंटों को अच्छा आचरण सिखाया जाता है, अच्छा व्यवहार करना, कैसे अपने आप अपने अपने ऊपर निर्भर रहना है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है. ओके, पॉइंट नंबर 10, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 से. सो 1911 में उनको बंगाल का पार्टीशन कैंसिल करना पड़ा. एंड इट वॉज अ हिस्टोरिकल एंड अ मेमोरियल विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ बंगाल दैट वॉज अचीव थ्रू द पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट. ओके, चलिए नाउ देर आर 11 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सो हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज नेशनलिज्म. तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग ऑफ द प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस टू वर्ड द वन नेशन. इट इज ऑल्सो विलिंगनेस टू सेक्रीफाई एवरीथिंग वन हैज फॉर द नेशन इफ द नीड अराइजेस. नेशनलिज्म यानी देश के प्रति भक्ति. देश के प्रति भक्ति यानी एक तरह का ऐसा जज्बा जो हमको अपने देश के लिए हम सबको एक करता है. अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग अपने देश के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे. इन केस इफ देयर इज रिक्वायरमेंट, इफ देयर एनी रिक्वायरमेंट इज देयर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉडरेट्स एंड नेम देम. आपको मॉडरेट्स कौन थे और उनके नाम बताने. द सिंपल एंड द सॉफ्ट एटीट्यूड टूवर्ड अडॉप्टेड टू एक्वायर द पॉलिटिकल राइट्स इज नोन एज द मॉडरेट. ठीक है, तो पॉलिटिकल राइट जो बहुत सॉफ्ट एटीट्यूड से अगर हम लोग जो गेन करेंगे तो उसे मॉडरेट कहेंगे. लीडर्स लाइक दादाभाई नवरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता बिलीविंग इन एक्वायरिंग पॉलिटिकल राइट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स. तो ये सारे कायदे कानून को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ द नेचर. सो इनको हम लोग मॉडरेट कहेंगे. लेकिन जो एग्रेसन में बिलीव करते हैं दे आर द एक्सट्रीमिस्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एक्सट्रीमिस्ट नेम देम. लीडर वॉन्टेड टू एक्वायर सेल्फ रूल नॉट एज अ फेवर बट एज देयर राइट. दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन रिवोल्यूशन एंड हैंस दे एंड कॉल द एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है,
ये लोग को अपना राइट मांग के नहीं लेना है, छीन के लेना है, ठीक है। एंड इसके लिए कोई भी एग्रेशन कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। देर वॉज अ ग्रुप ऑफ थ्री लीडर्स, यहाँ पे तीन लीडरों का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। लाल बाल एंड पाल, लाल मीन्स लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब इज अ लाल, नाउ बाल बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र दैट इज बाल, एंड पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल। तो आपको ये तीन नाम याद रखना है, लाल बाल पाल नेम आपको इजिली याद आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ वॉज द डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑब्जर्व। तो बंगाल के देखो हम लोगों ने सैड डे मतलब करके बनाया था। द डे ऑफ बंगाल पार्टीशन वॉज डिक्लेयर एज अ सैड डे, डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग एंड द डे वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व द डे ऑफ यूनिटी। बाद में उसको हमने डे ऑफ यूनिटी भी सेलिब्रेट किया। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग किसने इस्टेब्लिश की थी एंड किसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रीजनल लीडर ऑफ द मुस्लिम लाइक अगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्ला खान, वाइसरॉय मिंटो एंड इज प्राइवेट मिनिस्टर दुनलॉप स्मिथ एक्सेट्रा प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग द मुस्लिम लीग। सो दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। नाउ हु एस्टेब्लिश द होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक एंड मैडम एनी बेसेंट एस्टेब्लिश द होम रूल लीग। सो आपको यहाँ पे दो ही नाम याद रखने हैं। वेयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न, तो सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। सो कटक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस रीच जापान, तो जापान कैसे पहुँचे ये क्वेश्चन है। ऑन 17 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड फ्रॉम द हाउस अरेस्ट, ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ पठान एंड रीच टू बर्लिन बाय पेशावर काबुल एंड मॉस्को। ही गेव अ स्पीच टू द बर्लिन रेडियो विच शॉक्ड द ब्रिटिशर्स, फ्रॉम देयर ही वेंट टू द सुमात्रा। सो ये उनका बेसिकली रूट था। 17 डेट को ये पहले पठान का गेट ओवर करके जेल में से भाग जाते हैं बर्लिन, फिर ये बर्लिन पहुँचते हैं वाया पेशावर काबुल एंड मॉस्को एंड फिर बर्लिन के रेडियो में इंडियन लोगों को स्पीच देते हैं जो ब्रिटिशर्स को एक तरह से शॉक कर देता है और फिर वाया सबमरीन ये सुमात्रा जापान पहुँच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज आज़ाद हिंद फौज फॉर्म। सो कैप्टन मोहन सिंह फॉर्मड एन आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी with the help of the soldier who surrendered to the Japan as a war prisoner in the Second World War। तो जो मतलब जापान के लोगों ने इंडियन लोगों को पकड़ के रखा था तो उनसे ही उन्होंने आज़ाद हिंद फौज फॉर्म की। विच स्लोगन वेयर गिवन बाय द सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन चलो दिल्ली एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम टू द इंडियन वेयर लिविंग इन द साउथ ईस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया। ओके, वेयर वॉज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज फॉर्मड इन सिंगापुर। ओके, नाउ हियर इज योर आइडेंटिफाई मी। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म बाई विद माई एफर्ट, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फॉर्म किया था, ए ओ ह्यूम। ओके, आई एम अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, तो किसने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल अडोप्ट की थी, लॉर्ड कर्जन ने। ओके, द नोवेल आनंद मत वॉज रिटन बाई मी, तो किसने आनंद मत लिखा था, बखीम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, I was the first president of Indian National Congress. So Vyomesh Chandra Banerjee is the first president, okay, of Indian National Congress that was held in 1885 Mumbai. Okay, कोई संस्कृत स्कूल था। Now स्वराज is my birthright and I shall have it. ये किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने। So question number 4, that is the matching, मैंने question के सामने ही right answer लिखा है। सो रविंद्रनाथ आपको शांति निकेतन लिखना है, लोकमान्य तिलक केसरी इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, लाला लाजपत राय इज नोन इज द शेर ऑफ पंजाब, शेर ऑफ पंजाब एंड बिपिन चंद्र पाल उन्होंने न्यू इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, एनी बेसेंट ऑफ कॉमन विल। ओके, एंड नाउ द फाइनल स्लाइड ऑफ द डे एंड दैट इज द शॉर्ट नोट ऑन द आज़ाद हिंद फौज। ओके, आज़ाद हिंद फौज के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखा है। फ्रेंड इस चैप्टर में कहीं पर भी एक्सरसाइज में सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ पूछा नहीं है, मीन्स उनके शॉर्ट नोट के बारे में पूछा नहीं है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट शॉर्ट नोट ऑल्सो इन योर एग्जाम। ओके, एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी कैप्टन मोहन फॉर्मड एन आज़ाद हिंद फौज विद द हेल्प ऑफ द इंडियन सोल्जर हु हैड सरेंडर टू जापान एज अ वॉर ऑफ प्रिजनर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जरों ने जापान में सरेंडर किया था कैप्टन मोहन सिंह ने उन्हीं को लेके एक इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज फॉर्म की। विद द जनरल कंसेंट ऑफ द राजबिहारी बोस अपॉइंटेड सुभाष चंद्र बोस एज द चीफ ऑफ द आज़ाद हिंद फौज ऑन 4th of July 1943 ही वॉज गिवन एन ऑनरेरी टाइटल ऑफ द नेताजी। सो बाद में राजबिहारी बोस इसके लीडर बनते हैं एंड राजबिहारी बोस बाद में डिक्लेयर करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इसके मेन लीडर रहेंगे, ठीक है, एंड उनको एक नया टाइटल दिया गया नेताजी। ओके, जस्ट अ मिनट।
नेताजी गेव द स्लोगन चलो दिल्ली एंड जय हिंद टू द फौज ऑफ फौज एंड द नेशन, बराबर उन्होंने ये नारा दिया कि चलो दिल्ली, दिल्ली की तरफ हम लोग लड़ते लड़ते दिल्ली तक पहुँचना है हमको। ही टूर द कंट्री इन द साउथ ईस्ट एंड अपील द इंडियंस लिविंग देयर टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर देयर फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी इंडियन लोग रहते थे उन्होंने उनसे अपील की आप हेल्प कीजिए, पैसे दे सकते तो पैसे दीजिए, अगर हमारे सोल्जर्स को आप खाना प्रोवाइड कर सकते हो तो खाना प्रोवाइड कीजिए, वेपन्स प्रोवाइड कर सकते हो तो वेपन्स दीजिए। सो उन्होंने वहाँ पे सभी लोगों से हेल्प मांगी। ओके, ही सेड टू द पीपल यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। दिस स्लोगन वॉज एंड न्यू इम्पलीटस टू द फ्रीडम स्ट्रगल। और ये जो जोश है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इससे एक तरह का जोश आया था पूरी आर्मी में। आज़ाद हिंद फॉर सिक्योर विक्टोरियस एट द वेरियस फ्रंट इन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया लाइक अराकन एंड इम्फाल। एंड इस आर्मी ने अराकन और ये म्यांमार वाले जो एरिया है एंड जो नॉर्थ ईस्ट में इम्फाल है इसको भी उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया। लेटर ऑन द फोर्स वॉज फोर्स टू रिट्रीट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई एंड हैवी रेन। बाद में क्या है, सप्लाई लाइन्स कट जाती हैं एंड बहुत ज़्यादा हैवी रेन के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एंड अमेरिका ड्रॉप अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान एंड जापान सरेंडर एंड डायनामिक्स वेयर ऑफ द वॉर चेंज एंड द फ्यूचर ऑफ द आजाद हिंद फौज बिकम हेजी। 4,000 सोल्जर डाइड एंड 25,000 सोल्जर वेयर अरेस्टेड। अमेरिका ने जैसे ही हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंका इन जापान तो तुरंत ही हमको जो सप्लाई थी वो बंद हो गई। एंड फिर आज़ाद हिंद फौज पे ब्रिटिशर्स ने काउंटर अटैक किया, हमारे 4,000 सोल्जर्स मारे गए एंड 25,000 सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, इट्स अ बिग चैप्टर एंड प्लीज़ कंप्लीट योर CW एंड यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग, बाय एवरीवन।